पुलाव। वेज पुलाव बनाने की विधि। अपना चूल्हा पहले चालू करें, इस पर पैन रखकर तेल डालें। अब साबुत मसाले, जावित्री, छोटी इलायची, लौंग, बड़ी इलायची, तेजपत्ता और दालचीनी डालें। अब शाहजीरा और प्याज, इन्हें भूनते रहें थोड़ा रंग आने तक। इसमें अब थोड़ा नमक भी डालें और अब इसमें अदरक लहसुन का मिश्रण, कुछ काली मिर्च, हरी मिर्च, पुदीना, हरा धनिया। अब इसे मिलाकर एक बार इसमें लाल मिर्च पाउडर, जीरा पाउडर, थोड़ा धनिया पाउडर और कटे हुए आलू डालकर मिला लें। अब इसमें अपनी मनपसंद सब्जियां डाल सकते हैं, हमने गाजर मटर डाला है। इसे हम 2 मिनट के लिए पका लेते हैं। अब दही बस मिलाते हुए इसे कुछ देर तक पकने दें। इस सब्जी को हम राइस कुकर में भिगोए हुए चावल में डाल देंगे। कुकर चालू कर दें पकने के लिए। जब चावल लगभग पक चुका हो, इसमें ऊपर से केसर का पानी डालें। चावल पूरी तरह पकने के बाद कुकर अपने आप बंद हो जाएगा और 5 से 10 मिनट के रेस्टिंग के बाद ऐसे प्लेट में निकालकर किसी भी वेज ग्रेवी करी या रायता के साथ वेज पुलाव का मजा लें।